वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। मिलिए 82 साल के वीरेंद्र सैम से। उम्र भले ही ज्यादा हो लेकिन सपने और सोच आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। जिस उम्र में लोग दूसरों का सहारा लेते हैं उस उम्र में ये बच्चियों का सहारा बन रहे हैं। इनकी कहानी सुनेंगे तो आप खुद कहेंगे वाह सैम क्या बात है, क्योंकि बुलंदशहर की बेटियों को फ्री शिक्षा देने के लिए सैम ने विदेश की नौकरी को ही छोड़ दिया। गांव आकर 33 एकड़ जमीन में स्कूल खोला। स्कूल का नाम परदादा परदादी है, जो वहां की बच्चियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। वैसे ये सफर आसान नहीं था, मगर सैम ने तय किया था अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वही दियार रह जाएगा। तभी तो साल 2000 में 45 छात्राओं के साथ स्कूल को शुरू किया। आज 3500 छात्राओं को फ्री में शिक्षा दे रहे हैं। स्कूल के फाउंडर 82 साल के वीरेंद्र सैम अमेरिका में काम करते थे, फिर वीरेंद्र सैम घर लौट आए। मगर क्यों, वो कहते हैं ना कि सफलता एक दिन नहीं मिलती, मगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। वैसे तो सैम के स्कूल की स्थापना हुए 22 साल हो गए। बकायदा सैम ने एक टारगेट भी रखा है, वो टारगेट ये कि उनके स्कूल में 6000 छात्राएं हो। अब आपके मन में भी सवाल होगा कि अमेरिका में अच्छी खासी नौकरी सेटल्ड व्यक्ति भारत वापस क्यों आए, क्यों सैम ने लड़कियों को फ्री में एजुकेशन देने का मन पक्का किया। आइए वो भी आपको बताते हैं। सैम बताते हैं कि मैं 1965 में नौकरी करने अमेरिका गया था। वहाँ मैंने 35 साल नौकरी की। अमेरिका में रहते हुए समझा कि महिलाओं का शिक्षित होना पूरे परिवार के शिक्षित होने के बराबर है। मैं जब भी अपने गांव बिचोला आता तो यहाँ की हालात देखकर बहुत दुखी होता था। उस समय मेरे गांव में एक घर भी ऐसा नहीं था जहाँ की लड़कियाँ पढ़ने जाती हों। वो बस घरेलू और खेती किसानी का काम करने लगती थी। जब बड़ी होती थी उनकी शादी कर दी जाती थी। तभी से मैंने मन में ठान लिया था एक दिन ऐसा स्कूल खोलूंगा जहां फ्री में छात्राओं को शिक्षित करूंगा। वैसे तो सैम के स्कूल में 130 टीचर का स्टाफ भी है। इसके साथ साथ क्षेत्र के क्वालिफाइड टीचर और देश विदेश के वॉलंटियर भी यहां पढ़ाने आते हैं। यानी वीरेंद्र को देखकर तो बस यही लगता है जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।